प्यारे बच्चों, आज फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लाए हैं। और टॉपिक क्या है आपका? एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य या संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा, प्लस क्यू माइनस क्यू, ए और ये बी। इसकी लंबाई 2L है। यहां से एक लंब डाला, इस लंब को आगे बढ़ाया, ये कितने क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र से कितने कोण पे रखा गया है? थीटा कोण पे। ये सी, ये लंबाई कितनी आ जाती है? 2L साइन थीटा। किसमें रखा हुआ है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो इस पर एक बल लगता है क्यू ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। ये दोनों बल मिलके बलाघूर्ण बनाते हैं, बलयुग्म बनाते हैं, बलयुग्म। और बलयुग्म का किसी अक्ष के प्रति आघूर्ण क्या कहलाता है? बलाघूर्ण कहलाता है। तो इस पे जो बलाघूर्ण कार्य कर रहा है, वो बलाघूर्ण कार्य कर रहा है आपका बलाघूर्ण। कितना कार्य कर रहा है बलाघूर्ण? टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा गया था ऐसे, उसे डी थीटा, छोटे कोण डी थीटा पे घुमाने में, द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। कितना कार्य हो जाएगा? डी डब्ल्यू टाउ इंटू डी थीटा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू क्या होगी बेटा? पी साइन थीटा डी थीटा। अब द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू कोण तक घुमाने में किया कार्य। तो कार्य क्या हो जाएगा आपके पास? थीटा वन से थीटा टू डी डब्ल्यू, ये कितना हो जाएगा? थीटा वन से थीटा टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो कार्य क्या हो गया? पी को बाहर निकाल लिया, समाकलन चिन्ह थीटा वन से थीटा टू साइन थीटा डी थीटा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी माइनस कॉस थीटा, कहां से वैल्यू है इसकी? थीटा वन से थीटा टू। W इज इक्वल टू पी माइनस कॉस थीटा टू, पहले अपन लिमिट रखी उसी में, फिर माइनस कॉस थीटा वन। तो W इज इक्वल टू पी माइनस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन। तो W इज इक्वल टू पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये कार्य आ गया। यह कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो U किसके बराबर आ गया? W U इज इक्वल टू पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। यदि हम अधिकतम बलाघूर्ण की स्थिति लेते हैं, थीटा वन 90 डिग्री है, थीटा टू हमने थीटा रखा, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा
पी कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, तो यू थीटा कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, पी 0 माइनस कॉस थीटा, तो यू थीटा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत साधारण सरल तरीके से समझाने की कोशिश करिए। इसका डेरिवेशन अवेलेबल है, जो बल आघूर्ण है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, आपको यहीं से शुरुआत करनी है। आपने बल आघूर्ण निकाला, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, फिर से डी थीटा कोण घुमाएंगे, थीटा एक विमाहीन राशि है, तो डी डब्ल्यू टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा, इसकी मात्रक जूल हो जाएगा, तो पी साइन थीटा डी थीटा। अब द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू घुमाया, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, थीटा वन से थीटा टू, जो छोटे कोण पे घुमाने में कार्य किया गया था, पी साइन थीटा डी थीटा, तो पी थीटा वन से थीटा टू साइन थीटा डी थीटा, पी हो गया माइनस कॉस थीटा, थीटा वन से थीटा टू, पी माइनस कॉस थीटा टू माइनस माइनस कॉस थीटा वन, पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये जो हम कार्य करते हैं, जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, तो ये ऊर्जा किस रूप में संचित रहेगी, वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा, तो यू डब्ल्यू के बराबर आ गया, और यू क्या हो गया, पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। हम जानते हैं यदि हम द्विध्रुव को 90 डिग्री मतलब अधिकतम बल आघूर्ण पोजीशन से घुमाएंगे थीटा टू थीटा तक, तो यू थीटा आ जाएगा पी कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, यू थीटा आ जाएगा माइनस पी कॉस थीटा। बच्चों महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितनी भी अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मेरी बची हुई है वो आपको अवेलेबल होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।